मर्जी, आज यहाँ पे किस बात को लेकर आपका दौरा है और क्या प्रॉब्लम चल रहा है? हाँ, आपको ये बात तो पता होगी कि शिवाजी हॉस्पिटल कलवा में 18 से 22 लोगों की मौत हुई, और हमको हर रोज़ कैसे महापालिके की फेलियर तरह तरह के कामों में देखने को मिल रही है। जो वहाँ पर 18 से 22 लोगों की जिनकी मौत हुई, उनके रिलेटिव्स का ये बोलना था कि डॉक्टर टाइम पे नहीं आते थे, दवा उनको टाइम पर नहीं मिलती थी, तो वो तो आपको एक फेलियर बहुत बड़ा प्रशासन का, महापालिका का देखने को मिला ही। उसके साथ साथ अभी आप ये देखिए, जो कचरा है, हमको जो ये कचरे का जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर भी हमको महापालिका की कितनी बड़ी फेलियर देखने को मिल रही है। आई थिंक मैं 3-4 महीनों से कंटिन्यू कचरे पे बोल रही हूँ, कभी गटर के कचरों पे बोल रही हूँ, कभी डंपिंग के कचरों पे बोल रही हूँ, कभी ये कचरों पे, मैं कंटिन्यू सफाई और कचरे पे कंटिन्यू मेरी उस पर दौरा चल रहा है, कंटिन्यू मेरा उस पर फॉलोअप चल रहा है। तो आप देख सकते हैं मुमरा कौसा में कितनी जगहों पर कचरे का ढीक पड़ा हुआ है। मुझे बॉम्बे कॉलोनी से कॉल आ रहा है, मुझे मैसेजेस आते हैं लिटरली मेरे सोशल मीडिया पर कि अभी यहाँ पर कचरा पड़ा है, शशित कंपाउंड में कचरा पड़ा, इधर पड़ा, उधर पड़ा है। अब लोगों को दे आर अनअवेयर, उनको नहीं पता कि कहाँ पर जाके निषेध जाहिर करना है। उनको लगता है कि हम ही प्रशासन है, हम ही महापालिका है और हमसे ही सब होना है। बट एक्चुअल में लोगों को ये जानना जरूरी है कि ये महापालिका का काम है, हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, कहाँ डालना है, किधर फेंकना है, कचरा कैसे मैनेज करना है, ये महापालिका और कॉन्ट्रैक्टर जिनको महापालिका ने कॉन्ट्रैक्ट दी हुई है कचरा का, ये उनकी जिम्मेदारी है कि आप उनको बताओ कि कैसा क्या कचरा मैनेज करने का है। अभी जो फेलियर हमको महापालिका का देखने को मिल रहा है उसकी वजह से आप देखिए, कचरे से क्या बीमारियां नहीं होती है, हमको पानी में कभी, पानी पुरौठा के डिपार्टमेंट में हमको कभी फेलियर देखने को मिलता? पिछले 2 साल से मैं सिर्फ फेलियर ही फेलियर देख पा रही हूँ महापालिका का। तो अभी मेरा ये बोलना है कि अगर कल सुबह में 11 बजे तक के मेरा मुमरा कौसा पूरा क्लीन नहीं होता है तो मैं अपने लोगों के साथ हम सब ये कचरे का ढेर भर कर महापालिका में लेके जाएंगे और अपना निषेध जाहिर करेंगे। ये कचरा सफाई विभाग, ये काम किसको दिया गया और वो कंपनी क्यों नहीं कर रही? ये जो अभिषेक कंपनी है और अमृत कंपनी है, ये उनका काम है। तो महापालिका, वो जितने भी डिपार्टमेंट्स के लोगों को हम कॉल करते हैं सर, वो कहते हैं कि हमको महापालिका से पैसा नहीं आ रहा है, हमको महापालिका बिल नहीं पास करके दे रही है इसका उसका। अभी उनकी अलग बातें कहने की है, फिर महापालिका तो बोलती है मैं सक्षम हूँ, तो कहाँ उनकी सक्षमता मुझे देखने को ही नहीं मिल रही है पिछले 2 सालों से। वो कैसे सक्षम है फिर? टैक्स तो बराबर हर साल पे हो रहा है ना, टैक्स तो पे हो रहा है, तो आपकी वर्किंग क्या है उस पर? क्या थाने के लोगों की, थाने कर की हाइजीन की जिम्मेदारी महापालिका की नहीं है? क्या उनकी हेल्थ की जिम्मेदारी महापालिका की नहीं है? आप इधर देखिए, इधर हॉस्पिटल है पीछे आपके सामने, और यहाँ पर पीछे उस तरफ इतना कचरा पड़ा हुआ है, अंदर डॉक्टर्स है, नर्सेज है, पेशेंट्स है, उनकी उनकी हेल्थ की जिम्मेदारी कौन लेगा? जो पेशेंट्स की खिदमत करने के लिए अंदर बैठे हुए, उनको ही अगर कुछ हो जाए तो उनका ख्याल रखने के लिए कौन है फिर? तो दिस इज कंप्लीट फेलियर महापालिका का। तो अगर कल तक के नहीं एक्शन लिया जाता है तो हम लोग अपना निषेध जाहिर करेंगे, कचरे को उठाकर लेके जाएंगे साथ में। आप जिस तरीके से अभी बताते, पीछे जो हॉस्पिटल है, आरोग्य केंद्र है, आरोग्य केंद्र के अंदर भी तो कोई चीज की सुविधा नहीं है। काफी सारे जो पेशेंट आते हैं उन्होंने कंप्लेंट भी की थी कि फाइन चालू नहीं है, डॉक्टर का बिहेवियर सही नहीं है, ऐसे कई सारे कंप्लेंट भी आई है। नहीं देखिए, अबाउट डॉक्टर के बिहेवियर, जब भी हमारे पास कोई कंप्लेंट लेके आता है अबाउट डॉक्टर्स बिहेवियर, तो हम डॉक्टर से ऑन द स्पॉट बात करते हैं। बट लोगों को भी ये समझना जरूरी है कि इट इज अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यहाँ पर उनको प्राइवेट ट्रीटमेंट नहीं मिल सकती है। कि अगर आपको, आप बोलेंगे कि मेरे बच्चे घर पर है, आप मुझे पहले ले लो, तो उनको पहले नहीं लिया जा सकता है। पीपल ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि इट्स अ गवर्नमेंट प्लेस, तो उनको थोड़ा सा पेशेंटली यहाँ पे डील करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर लाइन लगी होती है, दे डील विद सो मेनी पीपल, उनको हर रोज बहुत लोगों से। भी कोई चीज की सुविधा नहीं है हॉस्पिटल में, अभी ज्यादा रश होता रहेगा तो वो, आप प्रमाइसिस ही देखिए ना, कितना छोटा प्रमाइसिस है उसके अंदर। हाँ, पंखे वगैरह भी बंद है, तो उसके लिए भी मेंटेनेंस के लिए टीएमसी की तरफ से ही आना चाहिए। पर अभी बहरहाल अगर टीएमसी नहीं उसका मेंटेनेंस करती है तो हम अपनी तरफ से उसका मेंटेनेंस करेंगे। इसका जो दरवाजा बंद किया गया, अगर ये दरवाजा मुख्य दरवाजा खोला गया होता तो ये कचरा यहाँ नहीं होता, तो इसको क्यों बंद किया गया है दरवाजे को?
मतलब ये हॉस्पिटल का मेन रोड है, हॉस्पिटल का मेन रोड और इतना सारा कचरा एक दिन में तो आया नहीं, तो कैसे आ गया? तो तीन दिन से यहाँ पर हर रोज, देखिए आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पर ही लाके हर रोज कचरा क्लीन होता था, पर हर रोज कचरा वापस से इधर डाल दिया जाता है। गेट बंद होने की वजह से, यहाँ रास्ता बंद होने की वजह से लोगों ने यहाँ कचरा फेंका। अगर ये रास्ता खुला होता तो लोग यहाँ कचरा नहीं फेंकते। नहीं, ये आपकी साइकोलॉजी है। आप देखिए जहाँ पर लोग रहते हैं वहीं पे भी आपको कचरा दिखेगा, चलते फिरते जो जहाँ पर से लोग आ रहे जा रहे हैं, कब्रिस्तान के बाहर आपको इतना कचरा दिखेगा, जहाँ पर लोग जाते हैं अंदर लोगों को दफनाने जाते हैं वहाँ आपको कचरा दिखेगा, दरगाह के सामने आपको कचरा दिखेगा। तो कचरा फेंकना एक मेंटेलिटी है जो कहीं भी फेंकेंगे लोग। जो यहाँ पर कचरा फेंक रहे हैं उन लोगों से क्या कहना चाहोगे? मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि आप कचरा मत फेंको, आप अपने घर के अंदर कचरे के डब्बे रखो, सुबह में जल्दी उठो ताकि जब कचरे वाले जो सफाई वाले लोग आए आप उनको कचरा दो। अब आप वो लोग सुबह में आते हैं, आप उनको अगर कचरा देने के लिए नहीं उठोगे तो ऑफकोर्स आपका कचरा दिन में रह जाएगा और फिर आप ऐसे ही बाहर जगह जगह पे फेंको। सफाई वाले जो डब्बा ले जा रहे हैं वो बोलते हैं गाड़ी नहीं आती, वो भी यहाँ कचरा डाल जाते हैं, उनकी गाड़ी नहीं आ रही है, उनके पास मशीनरी डंपिंग का प्रॉब्लम है। इसीलिए तो हम यहाँ पर है, ये पूरा मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टर और प्रशासन का है, इसीलिए तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। क्यों बात कर रहे हैं कि ओवरऑल फेलियर देखने को मिल रहा है, ये किसकी जिम्मेदारी है सर? ये प्रशासन की जिम्मेदारी है और जो कॉन्ट्रैक्टर है उनकी जिम्मेदारी है, ये दोनों चीजें, तो उनका फेलियर है, इसीलिए तो हम यहाँ पर आए कि आप अपने फेलियर को रेक्टिफाई कीजिए, नहीं तो हमको कुछ उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। तो कल तक अगर आप जैसा बता रहे कि कल अगर 11 बजे तक मुमरा में साफ सफाई नहीं हुई तो फिर आप लोग अगला कदम क्या? मैंने आपको चार बार इसके बारे में बता दिया है कि हम लोग अपने लोगों को लेकर जाके अपना निषेध जाहिर करेंगे थाने महानगर पालिका में। Okay.